आज जी तकरीबन मुझे यहाँ आए हुए एक महीना हो गया है और आज हमारी यहाँ पर पीएचडी की वेलकम सेमिनार है, जिसके अंदर वो बताएंगे कि जी पीएचडी में क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, रोड मैप क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसी चीज़ें करनी होती हैं। तो सेमिनार के लिए हम अब जा रहे हैं, तो देखेंगे जी सेमिनार में क्या क्या कुछ सीखते हैं हम। ये जी हम अपनी बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं और बिल्डिंग ढूंढते ढूंढते रास्ते में ये आ गया है जी एक तालाब, और इस तालाब के अंदर बड़ी खूबसूरत किस्म की बतखें तैर रही हैं। ठीक है, आपको व्यू दिखाते हैं ज़रा करीब से, कहीं पानी में ना गिर जाएं हम। बाकी खैर है, ये देखें जी ये बतखें खूबसूरती के साथ तैरती हुई, और हम जा रहे हैं जी इस तरफ ताकि हम अपनी बिल्डिंग ढूंढ सकें जहाँ पर सेमिनार का सेकेंड पोर्शन जो है रवा दवा है। ये देखें जी ये इस नहर के दूसरी तरफ आपको खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग नजर आ रही हैं, ये भी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं। और हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं बेसिकली, गुड हो गया, सिविल इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है सामने, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, और हम ढूंढ रहे हैं जी अपनी बिल्डिंग जहाँ पर हमने सेमिनार के लिए जाना है। एक सेशन हम अटेंड कर चुके हैं, अब हम दूसरे सेशन की तरफ जा रहे हैं। जो व्यूज मैंने ये आपको दिखाए हैं ये उसके अपोजिट साइड के व्यूज हैं, यानी कि पहले हम इस तरफ वाले व्यूज ले रहे थे, अब ये इस तरफ का व्यू है। इस तरफ भी नहर है, उस तरफ तालाब है, और ये इस तरफ भी एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है, और मुझे लगता है कि इसी बिल्डिंग में हमने जाना है। और ये जी हम एक नहर के पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं इस वक्त, और ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर हमने जाना है। ये नहर का व्यू है और हमें ये साइड व्यूज भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। To help you draw up your FWO PhD proposal, also very highly recommended, I would say. फाइनली जी हम अटेंड कर चुके हैं कंप्लीट सेमिनार, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि पीएचडी कैसे स्टार्ट होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे प्रोग्रेस करनी है। तो अच्छा वक्त गुजर गया, अब हल्की हल्की यहाँ पर बारिश भी हो रही है, और हम अब वापस जा रहे हैं जी अपने हॉस्टल की तरफ। पहले मैं जाऊँगा अपने ऑफिस, वहाँ से बैग उठाऊँगा अपना, फिर इंशाल्लाह रूम में जाके मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जी इस सेमिनार में उन्होंने हमें क्या दिया है। ये जी रास्ते के मनाजिर हैं, ये रोड जो है सामने से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वो डिपार्टमेंट है जैसे मैंने आपको बताया जहाँ सेमिनार था, और इस तरफ से हम आए थे तो इसी तरफ चलते हैं जी हम। ये जी वापस जाते हुए फिर से वही नहर है, वहाँ पर भी एक सेशन था जो मैंने आपको दिखाया था, और हम इस तरफ जा रहे हैं। ये जी सामने वही नहर है, और इस तरफ भी ये वही नहर है, ठीक हो गया, और हमने इस तरफ जाना है एक्चुअली। ये जी वो रास्ता है जहाँ से हम डेली गुजरते हैं, और मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो यहीं से ही गुजर के गया था सुपरवाइज़र से मिलने, आपको दिखाया था मैंने। और ये इस तरफ सामने जो है ये साइकिल शॉप है, यानी कि अगर साइकिल ख़राब हो जाए तो ठीक करवा सकते हैं हम यहाँ से, ये बिल्कुल फ्री ठीक करके देते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। और हम इस रास्ते से जाएंगे जी अपने ऑफिस की तरफ। ये बेसिकली वो डिपार्टमेंट है जहाँ से शुरू हुआ था हमारा सेमिनार, और यहाँ इसके अंदर एक कैफ़े भी है, और ये सामने हमारा अपना डिपार्टमेंट है जहाँ मेरा ऑफिस है। तो यहाँ से ये सेमिनार जो है ये इस बिल्डिंग में पहला सेशन था, और उसके बाद मुख्तलिफ़ सेशन जो हैं वो मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स के अंदर थे, तो हम सारे सेशन अटेंड कर चुके हैं, अब रूम में जाके मिलते हैं इंशाल्लाह। ये जी फिर से हमें एक थैला मिला है जैसा हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त भी मिला था, और सामान मैंने जो भी था इसके अंदर वो मैंने बाहर निकाल लिया है। ये सामान है इसके अंदर, ये कुछ टैरिफ्स हैं उसी तरह जिस तरह पहले भी हमें मिले थे। और उसके बाद जी यहाँ पर
हमें ये एक नोट पैड मिला है लिखने के लिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। और उसके अलावा ये जो है एक, इस पे KU11 भी लिखा हुआ है, और ये बॉल पेन उन्होंने दिया है इस पे लिखने के लिए। और ये भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वेलकम टू द एरनबर्ग डॉक्टरल स्कूल। ये बेसिकली मेरे डिपार्टमेंट है, ये जो मतलब हुआ मेरा जो कैंपस है उसका नाम है एरनबर्ग कैंपस। और ये बेसिकली प्लान था पूरा, जिसके अंदर मेंशन है कि कौन सा जो पार्ट है किस बिल्डिंग में अटेंड करना है। जैसे आपने देखा था कि मैं मुख्तलिफ बिल्डिंग में ढूंढता फिर रहा था कि अगला सेशन कहाँ होना है। ये भी एक क्वेश्चन ईयर उन्होंने दिया था, लेकिन ये मैंने फिलअप नहीं किया, इसीलिए सबमिट भी नहीं करवाया, वरना फिल करके सबमिट करवाया जा सकता था। इस पे लिखा हुआ है कि अगर मैं ऐसा करता तो कोई कुरानदाजी के तहत मुझे वो KU11 का मग देते, जिसके अंदर मैं चाय शाय पी सकता। तो उसके बाद ये है जी ट्रेनिंग, कि अगर मैं इसे रीड करूँगा और समझ लूँगा तो मुझे आसानी होगी जो भी डॉक्टर ट्रेनिंग मैंने करनी है उस हवाले से। तो जी ये वो चीज़ें हैं जो मिली हैं फाइनली। तो जी हम शुक्रिया अदा करते हैं यूनिवर्सिटी का कि उसने हमें गाइड किया पूरे सेमिनार में, और उसके बाद ये चीज़ें भी थी। थैंक यू सो मच।